वो लड़की बेजा खूबसूरत थी, बस उसी की खूबसूरती उसकी मौत की वजह बनी। युवती सुंदर थी तो उसे एक सिरफरा लड़का 4 सालों से मन ही मन चाहता था, लेकिन वो किसी और लड़के को चाहती थी। इसी सिरफरे लड़के ने फिर जो किया उससे हर इंसान का दिल दहल जाएगा। सिरफरे आशिक ने इस लड़की को बेला फुसला कर बाइक पर बैठाया और फिर इसका कत्ल कर जंगल में फेंक दिया। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोली तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर, मोबाइल नंबर 9109898811। मध्य प्रदेश की यह बेहद सनसनीखेज दास्तां सतना के चित्रकूट के बरोधा थाना के कटपरिया जंगल से जुड़ी है, जहां इस प्रेमिका की लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। क्या है पूरा मामला, हम परत दर परत आपको कहानी सुनाई देते हैं। यह आरती प्रजापति है जो यूपी के हमीरपुर जिले के पिपरौदा गांव की रहने वाली है। इसका बस यही कसूर था कि यह बेहद खूबसूरत थी, लिहाजा इसी गांव का एक लड़का प्रमोद कुमार साहू इसे चाहता था, इसे मन ही मन प्रेम करता था। बस 4 सालों से इसे बेपनाह मोहब्बत करता था। बस इसी आलम में जब प्रमोद कुमार साहू को पता चला कि आरती किसी और लड़के को चाहती है तो यह आप ही से बाहर हो गया और फिर बीते दिनों यह बाइक पर आरती को बहला फुसला कर बात करने की बात कहकर धीरे धीरे कहीं और ले आया, जहां यह सतना जिले के चित्रकूट में आ गया और कहा कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं रहोगी, और लड़की का गला दबाकर प्रमोद ने इसकी हत्या कर दी और चित्रकूट के घने जंगलों में इसकी लाश फेंक दी। सतना पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा किया है और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल, इसके संबंध में जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने विभिन्न टीमें बनाकर थाना प्रभारी बरौंदा और अन्य सीसीटीवी फुटेज हेतु दो टीमों का गठन किया था, और दोनों टीमों ने जो उक्त मामले में जो तथ्य कलेक्ट किए उसके माध्यम से हमें ये पता चल रहा था कि जो मृतक युवती है उसका संबंध कहीं ना कहीं हमीरपुर जिले से है। तो और जब हमें पुष्ट मुखबिर सूत्रों से जानकारी हुई कि घटनास्थल के आसपास कोई UP-91 करके एक मोटरसाइकिल भी करीब 2 घंटे वहाँ रुकी थी, तो हमने हमीरपुर पुलिस से संपर्क किया। हमीरपुर पुलिस से संपर्क करने के पश्चात जो है हमें ये बात ज्ञात हुई कि यह महिला जो है हमीरपुर के थाना मौधा अंतर्गत करीब दो दिन पहले घूमी थी, तो जिसकी पुष्टि हमें हमीरपुर पुलिस ने करी है। तो इससे हमें युवती ज्ञात हो गई और फिर जब बाकी अन्य तथ्यों की पुष्टि हमारी टीमों द्वारा की गई CCTV फुटेज और अन्य माध्यम से, तब पता चला कि गांव का ही एक लड़का प्रमोद कुमार उसके साथ अंतिम बार देखा गया है। प्रमोद कुमार को हमने अभिरक्षा में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ की तो प्रमोद कुमार ने प्रेम प्रसंग के चलते जो है ये इस घटना में मृतिका आरती देवी प्रजापति की हत्या करना कबूल किया है। बात सिर्फ इतनी है कि खूबसूरती होना गुनाह है, क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? पता नहीं कौन सा शख्स आपके बारे में क्या मंसूबे पाले हैं। थोड़ा सतर्क रहो, थोड़ा सावधान रहो, किसी के वाहन में बैठना इस जमाने में गुनाह है, शायद यह मौत का निमंत्रण भी हो सकता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।